यस बच्चे, ड्यू टू रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ पीटी वन दैट इज द पार्ट बी, मिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस केतन। सर, टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर द कैश हैज कम इन द बिजनेस और कैश हैज बीन पेड, मतलब कैश इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। बेटा स्टार्टिंग आपने कर दी, केतन आपने कहा से करी, टू एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेटमेंट। तो एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ओनली फ्रॉम कैश पॉइंट ऑफ व्यू, कैश पॉइंट ऑफ व्यू है ना। टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं हम एनालाइज कर सकते विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिर्फ कैश एस्पेक्ट को केतन हम कर सकते हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू नो द सोर्सेज एंड यूजेज एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम थ्री डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इज ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इतना मैम क्लियर हो तो, बेसिकली इट इज मेंट टू नो द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन और यूजेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक, देन इज स्टेट द इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन फ्लो ऑफ कैश, द इम्पैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन फ्लो ऑफ कैश। बोल दीजिए, ऐसे अपने आप कंट्रीब्यूट कर लीजिए, साथ में आंसर बोलिए, अनम्यूट करिए और आंसर बोलिए, डोंट रेज हैंड। 10 तो बच्चे बैठे हैं, लगभग स्टेट द फ्लो ऑफ कैश, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश ऑन फ्लो डिविडेंड ऑन फ्लो ऑफ कैश, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन फ्लो ऑफ कैश। एनीबडी, यस, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन फ्लो ऑफ कैश। बोल दीजिए बेटा, मैंने कहा बोल दीजिए, इसको आता है बस, हाँ हैंड रेज मत करो, ऐसे ही बोल दो। तक सर ए प्लस एप्रोप्रिएशन एंड सी माइनस। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ये तो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर डिविडेंड पेड या रिसीव्ड। डिविडेंड पेड होगा, डिविडेंड पेड सर पे करते हम तो हम सर ए ए में प्लस करते हैं और सी में माइनस। पिछले क्वेश्चन का आंसर भी यही था, बिल्कुल सर आपने यही नहीं बोला पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये बोला है मैंने, मान्या को पता है, मान्या के लिए बताना नहीं किसी को, मेरे को चल गया था। आउटफ्लो ऑफ कैश, इधर क्वेश्चन बाद, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन फ्लो ऑफ कैश। मैंने फर्स्ट ही बताया था आपको, वहां देख रहे ना कि आपसे एक्टिविटी पूछी है या वहां पे इफेक्ट इनफ्लो आउटफ्लो पूछा है। यहाँ जो क्वेश्चन था कितने एक बार रिगार्डिंग द इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश, when the dividend is being paid it is it results in outflow of cash, earlier the question was this, Ketan am I clear or not? Yes sir, hai na, pichle question mein it was asked what is the flow of the cash, whether it is inflow or outflow. Is question mein jab dobara maine jo aapne galat answer de diya tha uska maine agla question pucha tha, wo tha treatment of proposed dividend, the treatment of dividend paid, so it will be a plus and c minus ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट पूछी गई हो तो दो बार भी हो सकती है, एक बार भी हो सकती है। अगर आपसे इफेक्ट पूछा गया है, फ्लो पूछा गया है, तो एक ही होना है, इधर इट विल बी नो फ्लो और इट विल बी इन फ्लो और इट विल बी आउट फ्लो। तो डिविडेंड पेड जो है दैट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाउ डज इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स अफेक्ट फ्लो ऑफ कैश, हाउ डज ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स अफेक्ट फ्लो ऑफ कैश, इंक्रीजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ ट्रीट करते हो? यस कितना गेम सर, आउटफ्लो आउटफ्लो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स बाय आउटफ्लो। कितना शुक्र है ठीक हो गया बेटा, क्योंकि तो कल आंसर की हैट्रिक बन गई थी है ना सर। आउटफ्लो बिकॉज़ द बी माइनस फ्रॉम इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस दैट इज इन ऑपरेटिंग। बाय क्वेश्चन इज दिस, बाय माइनस फ्रॉम, बाय डिडक्ट फ्रॉम दैट,
So because the trade receivable has increased. Because our current assets are increasing. Yes, because increase in current assets is what deducted from working capital. Deducted from working. ये कभी सोचा ऐसे क्यों होता है? हमने कह तो दिया है ना सर ने कहा working capital में ऐसे कर लेना अगर आपका ना current liability increase हो रही हो current assets decrease हो रही हो तो plus कर देना और reverse हो तो minus कर देना. ऐसे कहा था मैंने कुछ आप लोगों ने याद कर लिया है ना ऐसा होता क्यों है ना कहीं बुक में आप सर सोचा तो है पर पक्का नहीं पता सही है कि नहीं सर बता दी कोई ठीक कर देता सर क्योंकि अगर हमारी मैंने ठीक की है कोई नहीं मैं एक और कर देता सर अगर क्योंकि अगर हमारे वो ट्रेड रिसीवेबल ना बनते और हम कैश में लेते उनसे पैसे तो हमारे कैश इंक्रीज हो जाना था ठीक है इसको और तरीके से देखते हैं मैं करंट लायबिलिटी पे आता हूं करंट लायबिलिटी जो है सपोज कोई करंट है जिसे ट्रेड के ऊपर पहले वो थे 5 लाख के अब वो हो गए 4 लाख रुपए के ट्रेड पेएबल पहले 5 लाख के थे 4 लाख के हो डिक्रीज होगी हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज रिजेक्टेड क्यों हो रही है क्योंकि हमने पे किया होगा ना पेमेंट करी होगी ना तभी तो कम हो रही है समझ आ रही है बात पेमेंट की है तभी तो कम हुई है एक पॉइंट याद रख लो आप और कहीं से रिसीव किया होगा तो वो जो है आपका सपोज यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल होते ये ट्रेड रिसीवेबल होते 5 लाख का 4 लाख होते तो वो रिसीव कर लिए तो हम इसको प्लस कर देते बिकॉज करंट एसेट्स हमारी जो है इंक्रीज हो रही है आप लोगों ने याद करने के लिए क्या करना है आपने ये कहना है करंट लायबिलिटी और प्लस इसको याद कर लो बस करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन ये इंक्रीज हुई तो इंक्रीज ये डिक्रीज हुई तो डिक्रीज करंट एसेट्स के साथ इसका उल्टा रिलेशन करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज हो रहा है प्लस हो रहा है कैश में कैश फ्लो में डिक्रीज हो रही तो माइनस हो रही ठीक है नेक्स्ट इज अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी विल यू क्लासिफाई रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स व्हिच एक्टिविटी आज मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि आज कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है केतन ने कि सारे आंसर मैं ही दूंगा बाकी आराम से बैठ जाना ऐसा तो नहीं आज मतलब कोई डे ही होता है ना बंदे आज का दिन मेरा सारे आंसर मैं ही दूंगा बाकी बच्चे बस हंस रहे हैं आता तो है पर बताना नहीं है वो वाला एग्जाम आता है मेरे को बस बताना नहीं मैंने चलो केतन फिर आप आंसर दे दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रीजन बीइंग क्यों सर non-current asset has been sold and what will be treatment plus or minus sir plus hogi because it results in the sale and inflow of patents inflow of cash and cash equivalents hai na ab suppose yahi hote patents usne keh diya that patents have been sold during the year for rupees 1 lakh It means it results in the inflow and through investing activity. उसने कह दिया है कि वो सेल है अगर इसके बारे में कुछ ना कहा होता कि पहले 5 लाख के पेटेंट्स थे अब 4 लाख के हो गए हैं तब क्या करते आप इसको amortize करते फिर क्या करते उसको सर A+ तो नहीं आप मेरे घर के सामने रहते हो आप तक पहले आवाज पहुंच जाती है बाकी बेचारे बात नहीं करते आप पहले ही कह देते हो ऐसा तो नहीं होपफुली ऐसा नहीं है ना बाकी बच्चे समझ रहे होते हैं सुन रहे होते हैं इसका मैं शायद घर के पास करता हूँ तो आंसर भी आ जाता है बाकी उनका मत ले जाता हूँ तो मैं एक दो मिनट मतलब मैं रुक जाया करूँ सेकंड्स दो तीन सेकंड्स के बाद मैं आपका आंसर लिया करूँ या फिर आप अकाउंट्स की क्लास में कहीं मेरे आस पास आ जा रहा है ऐसे कर लिया क्योंकि सर आपकी ये बात डेट बनती है ऐसे कर अकाउंट्स क्लास लगा रही सर घर के पास लगाते हैं जाके है ना यहाँ एक जगह पे आ गए या स्कूल में ही आ गए है ना जल्दी तो आवाज पहुंच जाएगी ऐसे कर ले
मैं अब 2 सेकंड लेने के बाद केतन आंसर लूंगा। आई नेवर मीन केतन आप आंसर मत करना, आई नेवर मीन इट, है ना, ये मत कहना कि सर ने कहा था जाना, बाकी बेचारे बोले ना और तुम भी रुक जाए, बाकियों का हौसला है तू बोल रहा है बाकियों की इस बात से बड़ा हौसला है केतन भाजी बोल रही है, कोई मत कोई तो बोलने के लिए है ना। तो अगर यहाँ ना बताया होता तो हम क्या करते, इसको हम इसको ए प्लस करते, हम इसको मानते कि द पेटेंट्स हैव बीन रिटन ऑफ, राइट ऑफ हो गए, फिर इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अंडर द सब है एडजस्टमेंट हम इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने कह दिया कि सेल हुई है तो कम कैसे हो सकता है, या सेल से या मोटाइजेशन से, उसने बता ही दिया कि सेल है, वो जब सेल है तो फिर वो बी पार्ट में आएगी। अगर ये ऐसा होता फिर क्या करते हैं, ये ऐसा होता तो बी माइनस, फिर माइनस बिल्कुल, फिर हम बी माइनस कर देते बिकॉज इट हैज बीन परचेज्ड एंड व्हेन परचेज्ड कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है, बिल्कुल ठीक है। Then next is give me the formula to calculate the return on investment ratio. केतन को आता नहीं है, केतन जान के आते थे। अगर केतन पहले आंसर दे देता है ना तो केतन बेचारा पहले फंस भी जाता है कि इसने हाथ नहीं खड़ा, किसको आता नहीं होगा। यस केतन जी, सर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, बिल्कुल ठीक है। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, नेट प्रॉफिट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सेप्ट केतन, हु विल गिव मी द फार्मूला टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड फार्मूला टू कैलकुलेट दिस। यस हिना सर, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यस दिस इज फ्रॉम एसेट साइड अप्रोच, बट फ्रॉम लायबिलिटी साइड बताना चाहिए ना आपको पहले, मेरे वर्ग को ना पता हो तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा बताओ एसेट साइड वाला, एसेट साइड काशी, non-current assets plus working capital, non-current assets plus working capital, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बिल्कुल सही है। एक ना हम लोग क्या करते हैं रेशियोज में, हम कहां मार खाते हैं मैं सही बताऊंगा, रेशियोज में हम सिर्फ फार्मूला लर्न कर लेते हैं कि फार्मूला ये लर्न कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे, वहां कौन सा आपको ये चीज देनी होनी है ऐसे, है ना बेटा, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बेटा, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर दिस इज शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बेटा आप प्लस करो और मार्क्स ले लो, है ना बेटा, हमें चेक भी करना पड़ेगा कि आपको ये भी चीज आती है कि नहीं आती है बेटा, बेटा करते कहीं मार्क्स को फिटवा लेना, मैं बताऊँ आपको इस फार्मूला, सिर्फ फार्मूला लर्न नहीं करना है, हमने फार्मूला बना कैसे है, ड्राइव कैसे है, वो ये भी करना है। कैन आई राइट इट एज दिस नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, आप याद करते रहना वर्किंग कैपिटल वाला फार्मूला, वहां पे कुछ वही ना बन जाए, एंड मे आई राइट इट लाइक दिस आल्सो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Now see, कर सकते हैं इसको ऐसे, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट टोटल एसेट्स, वहां आप उसने दे दिए टोटल एसेट्स दिए हैं, करंट लायबिलिटी दिए हैं और नेट प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ है, आपको बोलना है कि जी आपको कैलकुलेट करो आरओआई, आपने कहना सर ना तो ये एसेट्स का बनता है ना ये लायबिलिटी का बनता है, वैल्यूज को वहां नहीं देखिए, नहीं इसी फार्मूले को आगे हम लोग करके हम यहाँ तक ले आए, नॉन करंट प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो सिर्फ आप लोगों ने फार्मूला ही लर्न नहीं करना है, फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ वो भी लर्न करना है, और इसके लिए जब आप सम्स करोगे तब चलेगा पता ये क्या हुआ, सम्स करते हुए प्रॉब्लम जो आती है तब चलती है, पर सिर्फ फार्मूला अगर लर्न करने से रेशियो होता ना तो अभी तक सभी के फुल मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता जल्दी, सिर्फ फार्मूला मत लर्न कर देना। देन इज नेक्स्ट Give me another name for debt to equity ratio. Another name for debt to equity ratio. पता है किसी को? Debt equity का फार्मूला क्या होता है? Debt upon equity. यही होता है debt equity का फार्मूला.
another name for debt equity ratio is external internal external internal equity ratio external internal equity ratio एक करंट रेशियो का फार्मूला था वो इसको ऐसे क्यों कहते हैं एक्सटर्नल इंटरनल बिकॉज डेट्स आर एक्सटर्नल एंड इक्विटी इज इंटरनल ऐसे ही है ना डेट्स आर एक्सटर्नल इक्विटी इक्विटी इज इंटरनल इक्विटी दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल इंटरनल इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो फाइन एंड व्हाट इज अनदर नेम ऑफ करंट रेशियो ये तो मैंने बताया भी था मेरे को याद अनदर नेम ऑफ करंट रेशियो वर्किंग कैपिटल रेशियो गुड मॉर्निंग इट इज वर्किंग कैपिटल रेशियो एक और होती है रेशियो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो सेम ही होती है तो ये अलग अलग होती है एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी थी ना वो अलग होती है दैट इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिस इज द वर्किंग कैपिटल रेशियो व्हाई इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो बिकॉज द फार्मूला इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज मींस करंट एसेट्स अपॉन लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल की बात ही हो रही है दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो ये कुछ और है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है वो कुछ और है ठीक है चलिए ये आपका लास्ट लेक्चर था होपफुली आपको सिलेबस जो है वो तैयारी है आपकी बाकी आप असाइनमेंट तो आप देख ही लिए हैं आपको ठीक डू योर बेस्ट बस जैसे मैंने उस दिन बात करी चीटिंग मत करना ये कहना कि मैंने नहीं करनी बाकी चाहे सारी क्लास करे ठीक है अपना एग्जाम देना आपके जो क्लास ही बोर्ड की है आपका अपने आप मेरा बच्चा कैसे ही बनता है अदरवाइज भी बनता ही था अब ज़्यादा बनता ठीक है चलो ऑल द बेस्ट फॉर यू